गाइस, सनफ्लावर पुष्प का नाम सनफ्लावर ही क्यों है, इसके पीछे का रीज़न आपको पता है? यदि नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली सनफ्लावर पुष्प खिलने के बाद सूरज के उदय होने से अस्त होने तक उसी के साथ साथ उसी की दिशा में घूमता है तथा उसी के सामने ही खिलता है, इसीलिए सूरजमुखी पुष्प का नाम सूरजमुखी। क्या इससे पहले सनफ्लावर के बारे में ये फैक्ट आपको पता था? यदि नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।